हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सूजी या रवा का उपमा। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनता है, इसको आप कभी भी ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसके लिए हमें चाहिए होता है बारीक कटा हुआ टमाटर, मिर्च, प्याज और अदरक, और ये कड़ी पत्ता और नींबू का टुकड़ा। और मैंने लिया है काजू को रोस्ट करके, और मैंने आधा कप सूजी लिया है वो भी रोस्ट करके ली हूँ। ओके फ्रेंड्स, मेरे पास रोस्टेड था इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये जीरा और सरसों या राई का दाना और दाल ये ली हूँ, चने की दाल और उड़द की दाल जो सफ़ेद वाली आती है, और थोड़ी सी चीनी चाहिए होती है टेस्ट के लिए, वो खट्टा मीठा सा हल्का सा फ्लेवर आता है उसको, तो आप ज़रूर यूज करिएगा। हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें हम डालेंगे ये दोनों दालें जो चने की हैं और उड़द की हैं, ये राई और जीरा, और ये थोड़ा सा हल्का सा हम इसको भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन हट जाए। और ये चटक जाते हैं जो दालें हैं, तो वो थोड़ी सी क्रिस्पी सा टेस्ट आता है हमारा। ओके, फिर ये पक गया, फिर हम डाल देंगे मिर्च और अदरक और कढ़ी पत्ता। मैंने फ्रेश यूज किया है, अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन कढ़ी पत्ता से अच्छा फ्लेवर आता है। इसमें अदरक डाल देंगे घिसा हुआ और ये दो चार कढ़ी पत्ते। इसके बाद हम प्याज को डाल के उसको भी भूनेंगे। और फ्रेंड्स, इसको धीमे आंच पे ही बनाएंगे ताकि हमारे कोई भी मसाले या दाल जो भी है हमारा जले ना। प्याज को भी डाल दिए हम, इसको भी अच्छे से भून लेंगे। आपके पास काजू हैं, ड्राई फ्रूट्स में जो भी है आप यूज कर सकते हैं। मैंने काजू यूज किया है, आप बादाम भी यूज कर सकते हैं, मूंगफली का दाना भी यूज कर सकते हैं। उसको भी कढ़ाई में पहले रोस्ट करके भून के निकाल लीजिएगा, और उसके बाद सूजी भी भून के निकाल लीजिएगा। मैंने सूजी पहले से भून के रखी हुई थी, उससे सूजी ख़राब नहीं होता है, इसलिए मैं वही यूज की। प्याज के पकने के बाद टमाटर डालेंगे, टमाटर के बाद तो मसाले जाएंगे। मसाले इसमें ज़्यादा नहीं है, सिर्फ स्वाद अनुसार नमक है, ये नमक और हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा चीनी, ये चीनी डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे, जब तक टमाटर गल ना जाए इसको ढक के अब पकाएंगे, ढक ढक के। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद मैं ये तो अब अच्छे से टमाटर को अच्छे से पकाइएगा। और मैं आपको बता दूं, इसको बनाने में मेन जो होता है हमारा पानी का मेजरमेंट होता है, जो हमारा सूजी है उसका हमें ढाई गुना पानी लेना होता है। मतलब मैं एक कप सूजी यूज कर रही हूँ तो मुझे ढाई कप पानी डालना है। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आप किसी भी चीज़ से मेजर कर सकते हैं, कप से या ग्लास से, जितना भी आप बना रहे हैं उसका ढाई डालना है आपको। तो मैं इसमें उसका ढाई गुना पानी डाल रही हूँ। एक कप अगर आपका सूजी है तो ढाई कप से या तीन कप आपका सूजी जा सकता है, थोड़ा बहुत वेरिएट भी हो जाता है। तो पहले आप ढाई कप डालना, अगर लगे कि सूजी पका नहीं है तो आप उस टाइम फिर उसमें आधा कप और भी ऐड कर देना, बस ढाई गुना का रेशियो होता है, ये ध्यान रखना। फिर आपका उपमा एकदम परफेक्ट बनेगा, दानेदार बनेगा। और इसको देखिए कैसे डालना होता है, जब बॉयल होने लगे पानी तो इसको थोड़ा थोड़ा डाल के चलाते रहना है, नहीं तो इससे लम्स बन जाएंगे और वो जगह जगह ख़राब से लगेंगे, टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा उसका। ठीक है, तो इसको चलाते रहिए। और सूजी, भुना हुआ जो सूजी है थोड़ा सा रोस्टेड होता है, पहले से आप रोस्ट कर लेना, ठीक है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको हमें ज़्यादा पकाने की अब ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि सूजी हमारा रोस्टेड ही है। एक बार हम इसको ढक के बस पका लेंगे, उसके बाद हम ये जो रोस्टेड काजू है, जो भी ड्राई फ्रूट्स है आप डाल देना, थोड़ा सा हम इसको ढक के पकाएंगे 2 मिनट। उसके बाद हम इसको देखिए चला के देख रहे हैं, और सूजी को चेक कर लीजिएगा, अगर वो पक गया है, कुरकुरा ना लगे, वो पक जाना चाहिए, उसके बाद बस आप इसको सर्व कर सकते हैं। और बनाइएगा, खाइएगा, इन्जॉय करिएगा। और मैं आपको फ्रेंड्स बताऊंगी कि आप अगर आप इसको किसी फ्रेंड्स को, किसी गेस्ट को आप दे रहे हो खाने के लिए सर्व कर रहे हो, तो उसको हम कैसे करेंगे। और लास्ट में इसमें कढ़ाई बंद करने के बाद, मतलब जब आपका कंप्लीट हो गया प्रोसेस, तो उतारने से पहले आपको उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ देना है, उससे थोड़ा सा टेस्ट हो जाता है अच्छा। तो हमें एक कटोरी लेना है, उसमें अच्छे से उसको भर लेना है, जो हमारा उपमा है उसको अच्छे से भर के और ऐसे दबा लेना, और जिसमें रखना है प्लेट में आप उसको उल्टा कर देना,
और ये काफ़ी थोड़ा गर्म है इसलिए मैं कपड़े का यूज़ कर रही हूँ, और ठंडा हो तब तो आप हाथ से ही ऐसे निकाल सकते हो। ये देखिए हो गया ना इसका शेप अच्छा। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा काजू के साथ डेकोरेट कर देंगे, और इसके बाद कोई भी गेस्ट आया उसको आप ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं। बहुत ही यम्मी और हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।